उमरिया जिले में मां विरासनी मंदिर प्रसिद्ध है, जहां हर कोई नेता, मंत्री, मिनिस्टर, अधिकारी दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचता है। अनूपपुर जिले से वापस लौट रहे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी पाली पहुंचकर माता विरासनी के दर्शन किए। आपको बता दें कि मां के दर्शन करने के साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी मांगा और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत की प्रार्थना की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पूजा करने के बाद मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए और कहा कि शहडोल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हिमाद्री सिंह का नामांकन दाखिल हो चुका है। वे एक मजबूत प्रत्याशी हैं और पूरे प्रदेश में भाजपा एक तरफा चुनाव जीतेगी। ये सौभाग्य जब भगवान की कृपा होती है तब माँ विरासनी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। आज मैं शहडोल लोकसभा के नामांकन के लिए अनूपपुर गया था। वहाँ से लौटते समय कटनी में रेलवे ट्रेन पकड़ने के लिए मैंने कहा सबसे पहले माता के चरणों में आशीर्वाद लेके फिर आगे बढ़ेंगे। बड़ा बहुत ही भव्य आध्यात्मिक शक्ति है यहाँ पर और माँ विरासनी के दर्शन करने के लिए लाखों लोग उमड़ते हैं, तो मैं यहाँ पर आज दर्शन करके अपने को कृतार्थ महसूस कर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश में तो 29 में 29 सीटें और देश में 400 से ज़्यादा सीटें मोदी जी के झोली में देश की जनता डालेगी और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को परम वैभव के स्थान पर पहुंचाने का जो बहुत पुराना सपना है देश की जनता उसको पूरा करेगी। छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, इस बार वहाँ पे क्या हालात रहेगी? छिंदवाड़ा में पिछली बार 35,000 से हारे थे तो बहुत कम मार्जिन था, इस बार वो मार्जिन खत्म हो जाएगा और भाजपा ही जीतेगी वहाँ।